दोस्तों स्पीडो मैच कवर करने वाली जो कि वुमेन्स एक और नई सीरीज स्टार्ट हुआ जो कि 16 मैचेस की सीरीज है और आप देखोगे तो ये है अफ्रीकन वुमेन्स T20। अगर आप देखोगे तो पहली बात तो हम लोग हर साल कवर करते हैं और ऐसे मैचेस हम लोग रेगुलर कवर कर ही रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी से वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और देखो तो साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, नामीबिया भी अच्छी टीम है। आप नामीबिया वुमेन का कमजोर टीम समझने की गलती कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि ये तगड़ी टीम है। साउथ अफ्रीका वुमेन के पास इनके मेन प्लेयर्स नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बहुत लॉस के लिए आपको टीम क्रिएट करना है, उसके बाद दूसरा मैच भी मैं कवर कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे मैचेस हम लोग कवर करते हो और पूरे फैंटेसी फील्ड में आप कंपेयर कर लेना कि वुमेन्स की टीम जैसे मैं देता हूँ कोई नहीं देगा आपको, कोई देता भी नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी के टाइम इस टेलीग्राम चैनल पे 36,800 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जब तक आओगे ना ये आपको नंबर बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा चैनल है वो सालों से फ्री है, बिल्कुल भी आपको 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, सर्च करोगे तो मैंने आपसे हज़ारों फेक चार्ज मिलेंगे जो कि आपसे पैसे मांगेंगे, उनसे दूर रहना। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे 36,800 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बस फेक मत ज्वाइन करना, ऑफिशियल ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पे लाइनस वगैरह ऑडियो वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ, देखो फाइनल टीम और विनिंग टीम यहीं पे देता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल, इधर उधर फटकोगे उससे अच्छा है कि टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना। कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। तो पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ पे कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका और वुमेन वर्सेज नामीबिया वुमेन्स में जो ये मैच खेला जा रहा है ये प्रोफेशनल सीरीज है, प्रोफेशनल तरीके से खेला जाएगा, कोई ऐसा नहीं है फिक्सिंग वगैरह तैयार तो होता नहीं, T10 नहीं है। पहली बार ये मैच के घाना में खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, ये मैच घाना में खेला जा रहा है। उसके अलावा वेदर रिपोर्ट, वेदर क्लियर है, कोई भी ऐसा बारिश से चांस नहीं, 28 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी बारिश से चांस वगैरह नहीं है। साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम सबसे पहले बात करते हैं प्रीव्यू से, तो ये फर्स्ट T20 मैच है जो कि आज खेला जा रहा है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स बता देता हूँ, उसके बाद लाइनअप्स देख के सीधे क्रिएट टीम करेंगे ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, टॉप बैटर नामीबिया वुमेन की टीम से कैले ग्रीन जो कि बहुत धाकड़ प्लेयर है भाई, कैले ग्रीन जो कि बैटिंग बोली दोनों करती है टीम ने सभी तक T20 मैचेस में 733 रन स्कोर कर रखी, भाई तगड़ी प्लेयर है। उसके अलावा जूनियर ड्रेगेट जो कि टीम से भी अच्छी है, इन्होंने 619 मैचेस खेल रखे। उसके अलावा फॉरेस्टर्स जो कि टीम से 134 रन स्कोर कर रखी, तो ठीक है भाई काफ़ी सही है ठीक है। ये आपके लिए टॉप बैटर्स है, नामीबिया वुमेन के टॉप बैटर है। हालांकि एक और है आपको बताऊँगा, सोनी विटमेन भी नया है, लोगों को बताता हूँ आपको। टॉप बॉलर की बात करें तो कैले ग्रीन टॉप बॉलर में भी आती है जिन्होंने 66 विकेट ले रखा अपने नाम। उसके अलावा मिले जो कि डेथम बॉलिंग करती है और मेटले जो कि यही डेथम स्पेशलिस्ट है भाई, तो काफ़ी ज़बरदस्त इनके बॉलर सब है। मुझे नामीबिया थोड़ी ज़्यादा फेवरेट लग रही है भाई, बट देख लेते। उसके अलावा सिनेरियो एक बता देता हूँ, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करते तो क्या होता है। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन अगर पहले बैटिंग करती है तो 105 से लेकर 110 तक रन बननी चाहिए ठीक है, इतना रन बनना चाहिए मेरे साइड से जो मुझे लगता है पिच के अकॉर्डिंग, 105 से 110 तक, क्योंकि ज़्यादा तगड़े पे हालांकि है सुनीलियस वगैरह सब है, लेकिन फिर भी इतना एक एवरेज मार्क के चलते कि 105 से 110 रन बनने चाहिए। और हो सकता है कि नामीबिया भी विन कर सकती है क्योंकि नामीबिया के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर सब अवेलेबल है, सारे मेन प्लेयर्स इनके अवेलेबल है। सिनेरियो एक दूसरा हो सकता है क्या कि नामीबिया का पहले बैटिंग करे तो 125 से लेकर 130 तक भी रन जा सकते हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे क्या नामीबिया ज़्यादा फेवरेट है, हाँ नामीबिया फेवरेट हो सकती है। अगर नामीबिया को कमजोर समझने गलती सब कर रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि नामीबिया बहुत पुरानी टीम है और इनके पास काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर सब है। साउथ अफ्रीका के पास भी है नो डाउट, इंटरनेशनल मैच के मतलब टीम है, लेकिन फिर भी उनके पास उतने बड़े प्लेयर्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सबसे पहले एक बार लाइनअप्स पे नज़र मारो, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक एक प्लेयर को हम लोग डिटेल से जानने कौन कैसा फॉर्म है वो भी आपको बता दूंगा। तो टेंशन मत लो, पहले बैटिंग ऑर्डर जान मतलब पहले लाइनअप जान लो कि कौन से 11 प्लेयर्स अवेलेबल है। इस मैच के लिए कैप्टनसी करेंगे एंड्री वेंजेल जो टीम से कैप्टनसी करेंगे टीम से एक अच्छे प्लेयर, यस्मिन खान जो कि हर को जानते हैं कि ओपनर है टीम से, विकेट कीपिंग भी काफ़ी अच्छी करती, विक्टोरिया जो कि हर को जानते हैं कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है T20 मैचेस में, कैले ग्रीन जो कि हर को जानते हैं कि मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी के, देखो मुझे नहीं मुझे स्टार्ट से नहीं क्यों जीतनी पड़ता क्योंकि मैं रेगुलर प्लेयर हूँ, हर एक मैच खेलता हूँ, तो मुझे नहीं जैसे कैले ग्रीन का नाम सुना तो मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम को कब पिक किया था, ये ऐसी ऐसी प्लेयर ऐसी खेलती है, तो ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ है। अगर आप भी रेगुलर खेलोगे ना तो आपको याद रहेगा। कैलेग्रीन जो खेलकर को जानते मिडल और बल्लेबाजी करती है, न्यूबॉल से स्टार्ट करती है फर्स्ट पावर प्ले में और साथ ही साथ बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करती है। उसके लिए सिपो भी अवेलेबल है, उसके देखोगे डेडी फोस्ट भी अवेलेबल है, उसके लिए एड्री भी अवेलेबल है, रिहाना खान भी अवेलेबल है, मेजरेल भी अवेलेबल है, उसके लिए देखोगे मैकिले भी अवेलेबल है, सुनी विटमैन जो कि सबसे तगड़ी प्लेयर है, सुनी विटमैन जो कि ओपनिंग भी करेगी चारों बॉलिंग भी करेगी, एक मस्ट टॉपिक होना चाहिए, ओपनिंग भी करेगी और चारों बॉलिंग भी करेगी, तो ध्यान रखिएगा। तो
तो ठीक ठाक इनका लाइनअप से, नामीबिया कोई से कमजोर टीम है, साउथ अफ्रीका का देखते हैं क्योंकि इनके जो बहुत से बड़े प्लेयर्स है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि लॉरा वॉलबेट जो कि अवेलेबल है, जो कि टीम ने ओपन करी है एनिका बॉच के साथ, सुनील वर्णा बैटिंग करेंगे, ताजिम बेटर्स फोना बैटिंग करेंगे, टेलमी टिकर जो कि फिर बैटिंग करेगी, चालू टीम भी अवेलेबल, नडल क्लर्क अवेलेबल है। भाई ये तो बहुत तगड़ी टीम लग रही है यार, खुद देखो ना यार, लॉरा वॉलबेट है तो सेंचुरी तो यही मार देगी, एनिका बॉच जो कि यंगेस्ट टैलेंटेड बैटिंग ऑलराउंडर है जो कि आजकल बॉलिंग नहीं करे, सुनील है, ताजिम ब्रिटिश है वो जानते हैं, सुनील ताजिम ब्रिटिश जो कि ये नई ताजिम ब्रिटिश तो नई प्लेयर और साथ ही बहुत जबरदस्त स्कोर करती है भाई, विकेट कीपिंग दोगे तो विकेट कीपिंग भी अच्छी करती है सुनील, जो कि बहुत इनफॉर्म प्लेयर है, टकर भी अवेलेबल है, चालू टेन भी अवेलेबल है, भाई मैं क्या ही बोलूँ, जबरदस्त लाइनअप से यार, एम क्लास तक के पास अवेलेबल है, एन मलबा भी अवेलेबल है, बस आईबोगो खाका अवेलेबल नहीं है खाका। बाकी चलो दो टीम का लाइनअप देख लिए एंड अपना टीम फटाफट से क्रिएट करते हैं। बाकी जो अपडेट्स देंगे मैं आपको टेलीग्राम पर जो शेयर कर दूंगा, 36,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखे तो आप लेट ना करें, डिस्क्रिप्शन में होते 3 घंटे बची रखे मैच स्टार्ट होने में, 5 टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, जैसे टीम में देता हूँ ना कोई नहीं देते पूरे फील्ड में। अब वुमेंस के रिकॉर्ड देखो, देखो कल मैंने वुमेंस का मैच कवर किया दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला कवर किया, एक तरफा मर्जीना कैप कैप्टन किए और इसके बाद जीजू नासर, एक तरफा अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप किए, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका और ऊपर जाओगे और आपको देखने रूपा रिजल्ट दिखा देते, जैसे टीम देता हूँ ना मैं कोई नहीं देता। देखो देखो इस मैच है अल्ट्रा मेगा क्लीन सिप, तो इसलिए बोलते हो टीलियम जब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करते हैं प्लेयर बाय एनालिसिस, उसके बाद ये वाला मैच भी कवर करना यार, बात करें विकेट कीपर चल के, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी ऐसे मैचेस कोई कवर नहीं करता है, बट अगर हम लोग कवर करते हैं आपका फर्स्ट बनता है कि वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल सब्सक्राइब फुल पर सेट कर दो जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सिंपल से बात है, मैं बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करूँगा, मेरे सिलेक्शन बेस पर टीम बनाता नहीं हूँ मैं, हर एक डाउट आपका क्लियर करता हूँ, ठीक है, किसको पिक करना है किसको ड्रॉप करना है। पहले ये बात करते एम ग्रोसेस, ये कैसी प्लेयर है तो मैं बता दूँ, ये अवेलेबल है या नहीं है तो देखते हैं। एम ग्रोसेस जो कि अवेलेबल है, मर्जिल ग्रोसेस जो कि टीम से अवेलेबल है भाई, उसके अलावा डेफो ट्रेडे पोस्ट भी अवेलेबल है टीम से, दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ही टीम से कुछ खास बल्लेबाजी नहीं करती है, हालांकि ट्रेडे पोस्ट तो फिर भी अच्छी कर लेती है, लेकिन लोग यहाँ पे एम ग्रोसेस के साथ जा रहे हैं। इनकी टीम के विकेट कीपर है, इनकी विकेट कीपर है सिनोन जाप्टा, जो कि इधर पे नहीं इधर पे होगी, फिलहाल के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, सिलेक्शन में सही है लेकिन हालांकि फाइन टीम बहुत सारे डेडी फोस्टर देखने को मिले। उसके अलावा देखो उसके अलावा डायरेक्शन जो कि मैं पिक करना प्रेफर करूँगा, पिक करके चलो एक अच्छी प्लेयर टीम से। उसके अलावा जे आर स्टार अच्छी बल्लेबाजी करती है लेकिन जनरली ज़्यादा मैचेस फ्लॉप जाती है, एप टोलेशन पे साइड रखेगा, टोलेशन को नीचे स्कूल डाउन करोगे तो देखो ड्रेशन को तो हमेशा हम लोग कवर करते अच्छी ऑप्शन है टीम से। उसके अलावा एम स्मिथ नहीं साइड रखिए कोई खास नहीं, हाँ एक इस्मिना खान जो कि बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी करना आती है और साथ ही साथ ओपनिंग भी अच्छी करती है, तो इस्मिना खान को पिक किया जा सकता है, अगर थर्ड ओवर पिकनिंग बन गए तो इस्मिना खान को ट्रस्ट कर सकते तो जल्दी आउट होती नहीं है, तो पिक किया जा सकता है इस्मिना खान को। उसके अलावा एम वेटलिक, कैली ग्रीन, जी जफ्टा और जे बोटा एन संग में से काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती टीम, काफ़ी टैलेंटेड है, के रैंक की साइड अवेलेबल नहीं है, तो ये 5 अवेलेबल है, 5 ओवर कवर करके चलते हैं। एन संग से बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, खेल के आ रही है, मैंने कवर भी किया था। उसके अलावा एन बेंटी जो कि अवेलेबल है, सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कोई खास नहीं, क्योंकि नीचे मुझे देखना इंपॉर्टेंट रहता है, कोई ऐसा डेथ ओवर बच जाता है तो दिक्कत हो जाता है, फिलहाल के लिए एन बेंटी को कवर कर लो। एल जोनसन भी अच्छी है और उसके अलावा नेडू भाई कोई अगर ड्रॉप करेगा बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, नेडू को अगर कोई ड्रॉप करेगा, नेडू जबरदस्त प्लेयर टीम से, नेडू को ड्रॉप करना बेवकूफ़ी हुआ, तो नेडू को कवर कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अपनी टीम में ना 3 इनके ही बॉलर्स पिक कर लिए, तो बात तो सही है भाई, तीनों ही पिक, क्योंकि मैं नेडू को ड्रॉप भी कर सकता, सीबीसी करके चल सकता हूँ, नेडू को बहुत अच्छी बॉलिंग करती है नेडू, पीओ मिले डेथ वेस्ट प्लेस है, तब उसका एम मार्टिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती है, एल जोनस को ड्रॉप नहीं कर सकता, एन बेंटी को कर नहीं सकता, अगर दोनों नहीं खेलते तो देखा जाएगा इन दोनों का कवर कर लेंगे, अगर ये दोनों नहीं खेलते तो ऐसा कवर करके चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं है भाई यार इतना बड़ा फालतू का नहीं, ये नहीं दो के साथ जाते, मैं बताऊँ नेडू इंपॉर्टेंट है, हालांकि एम वेटली अच्छी है लेकिन फिर भी देखो यार किसको पिक करेंगे, क्योंकि मुझे ना नेडू चाहिए किसी के, तो नेडू ड्रॉप मत करें इंटरनेशनल मैच के प्लेयर भाई, कैप्टन कर सकते तो नेडू को, नेडू को ड्रॉप करना बेवकूफ़ी रहेगा, अलग चाहो तो जे एस टा को ड्रॉप कर सकते की टीम में, हालांकि बॉलिंग कर लेती कभी काल इसलिए भी पिक किया हो, पता नहीं यार ये बस देखो यार लाइनअप्स मेरा अलग है यार, तो इस लाइनअप्स को फॉलो मत करना, ठीक है, मैं पावर से प्रेफर करूँगा ना, सुनी विटमिन वगैरह अवेलेबल है इन्होंने ऐड ही नहीं किया है, क्योंकि सुनी विटमिन अवेलेबल है ये तो गलत बात है, ड्रीम को सुनी विटमिन ऐड करना चाहिए, सुनी विटमिन स्क्वाड ज्वाइन कर रखी है ना, लॉरा वॉलबेट ऐड किए नहीं कोई, जबकि सब अवेलेबल स्क्वाड ज्वाइन कर रखे, देखो लाइनअप्स में स्क्वाड ज्वाइन कर रखे,
हो सकता है ड्रीम इलेवन फर्स्ट मैच में ऐड नहीं किया बट इसके बाद शायद ऐड कर दे, इसे ध्यान रखिए, ये सब ऐड हो सकते हैं। पॉइंट टीम देखा क्योंकि सोनीपेट में की बजाय मुझे टीम 1% ही पसंद नहीं आ रहा, सोनीपेट में जबरदस्त मेरे कैप्टन कैप्टन देखो डब्ल्यू मेटल वगैरह तो पिक कर ही चुके तो कोई दिक्कत से है नहीं, ठीक है डब्ल्यू मेटल चाहिए टीम से। सी बी सी की बात करें तो जे और एडिक्सन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करती है, इनफॉर्म प्लेयर टाइप की है, बट मैं प्रेफर करूँगा लोग डब्ल्यू मेटल के साथ जा रहे हैं बट इतना मैं प्रेफर किया, लेकिन सबसे बेस्ट कैप्टन है, क्वालिटी स्पिनर है, टॉप स्कोर है, नाविया की टॉप विकेट टेकिंग बॉलर भी है और साथ ही टॉप स्कोर भी है, तो मैं अपना एज ए कैप्टन जाना चाहूँगा। वाइस कैप्टन एन संगसे के साथ जा सकते हो नहीं तो नायडू के साथ जा सकते हो, नायडू इंटरनेशनल मैच के प्लेयर है, नायडू बहुत ज़्यादा विकेट भी लेती है तो ध्यान रखिएगा, नायडू जबरदस्त रहेगी सी बी सी के लिए। तो देख लेना वाइस कैप्टन किसके साथ जाओगे ये आपको भी डिपेंड करता है कि आपको नायडू के साथ जाना है जिसका सिलेक्शन बहुत कम है तो इन पेंटे ट्राई कर, बट ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि नायडू और डिक्शन किसी एक को करो, डिक्शन करोगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों भी मिल सकता है, काफ़ी अच्छी प्लेटिंग से अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं डिक्शन, तो मैं अपने वाइस कैप्टन डिक्शन के साथ जा रहा हूँ। देखिए आप चाहते हैं नायडू को ट्राई कर, डब्ल्यू मेटल अच्छी हिटिंग मैं मना नहीं करूँगा लेकिन बॉलिंग से होप करना पड़ेगा, लेकिन डिक्शन अच्छी हिटिंग से, हालांकि जे एस्टा की बात करें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेती है लेकिन कभी कल बॉलिंग करती है, लेकिन जब भी करती है तो चारों बॉलिंग करती है, ध्यान रखिएगा। उसके लिए रैली करें तो जे बोटा को और साथ ही साथ एन सेगेसे को, ये दोनों जबरदस्त है सी बी सी के लिए, ये दोनों भी टैलेंटेड है भाई, ये सब टैलेंट एन सेगेसे को सी बी सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, रिसेंटली मैचेस खेल रही थी एन सेगेसे और डेथ बॉल स्पेशलिस्ट एन सेगेसे धाने के, बट मेरे हिसाब से नायडू डेथ बॉलिंग करना चाहिए। सेम टे कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टे फर्स्ट मैच है, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत कीजिएगा, लिमिट में कीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी जरूरत नहीं है, लिमिट में करना, कितना लिमिट में, सेम टे कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टे इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट लिमिट में कीजिएगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी देखो डाउट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन टेंशन मतलब मैं आपको कंफर्म लाइनर्स वगैरह और साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक ज्वाइन कर लेना, ठीक है।